मैं बहुत टाइम से सोचा था कि मतलब पब्लिक से पूछूं कि आपको सोशल मीडिया पे दानिश जैन पसंद है या फिर एमजे स्टैन। तो मतलब तुमको मैं पूछूं दोनों में से ज्यादा कौन पसंद है तो किसका नाम दोगे आप? दानिश जैन। Alright, so hey guys, what up everybody? It's your boy Danny Z and back again with a new video, baby. Somebody, somebody, somebody. MC Stan और Danny Zen को तो जानते रहोगे। तो आपको दोनों में से कौन पसंद है? Alright. Hey guys, what up everybody? This is Soul G and back at it again with a new video. Okay, जैसे कि मैं ऑफिस आ चुका हूँ ब्रांड न्यू ब्लॉक के साथ। By the way, आप लोग मेरा हेयर कट, ओए, ब्लॉक करने थे शांति से, क्या कर रहा है? ये सबको इग्नोर करना। By the way, आज मैं भी आया हूँ जू पे एंड मुझे बहुत टाइम से ये वीडियो बनाना था। एंड वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो में मैं जितना भी ये वीडियो से मैं जितना भी पैसा कमाऊंगा यूट्यूब के थ्रू, तो मैं वो सब पैसा गरीबों में बांटूंगा। एंड वीडियो कैसी रहेगी मैं आपको बता दूं, मैं बहुत टाइम से सोचा था कि मतलब पब्लिक से पूछूं कि आपको सोशल मीडिया पे दानिश जैन पसंद है या फिर एमजे स्टैन, जो भी रहेगा आप लोग खुद देख लेना। एंड मैं देखना चाहता हूँ किसके लिए क्या रिस्पेक्ट है दिल में हमेशा। सो भाई, तो मुझे मतलब ये चेक करना था दानिश भाई को, हम सबको छोड़ के 5 साल हो चुके, तो दानिश भाई को आज भी पब्लिक प्यार करती है या नहीं करती है? सो भाई, तो जो भी रहेगा मैं आपको बताऊंगा। एंड मुझे ऐसा नहीं कि सब दानिश जैन जो एमजे स्टैन बोला वो बात भी अच्छी रहेगी, जो दानिश जैन बोला तो वो तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो भाई, तो मुझे बहुत टाइम से बनाना था, तो मैं सोचा था पब्लिक को बुरा लगे, मुझे बस पब्लिक को दिखाना है सब। सो भाई, तो भाई बहुत लोग सोचेंगे ये बंदा हेट फैला रहा है, ऐसा कुछ नहीं। दानिश भाई भी बहुत मेहनत करके ये मुकाम पाए और एमजे स्टैन ने भी बहुत मेहनत करके ये मुकाम पाए, ना कि कोई ने भी ऐसी हासिल करे। सो भाई, अगर आप लोग को लग रहा है ये चीज़ से अगर मैं हेट फैला रहा हूँ, इसलिए मैंने जितना भी ये वीडियो से अगर कितना भी मतलब लाख रुपया है, 10 रुपया है, 1000 रुपया है, 2000 रुपये, 10000 रुपये, जितना भी आएगा मैं गरीबों में बांट दूंगा। सो भाई, तो आप लोग वीडियो को एंजॉय करो। सो भाई, तो चलो चलते हैं एंड मचाते हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, नहीं पसंद आएगी कोई बात नहीं, डिसलाइक भी दिखा रहे उस पर पेस्ट कर देना। एंड कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया। सो भाई, तो मैंने ज्यादा बात कर दिया, चलते हैं एंड मचाते। सो भाई फैम ब्रो, तो ओके ऑलराइट, बाय द वे अभी भाई मिल चुके हैं। तो भाई, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, एमजे स्टैन को तो जानते रहो, दानिश जैन को, हाँ हाँ, तो दोनों में अगर मैं बोलूँ आपको कौन पसंद है तो आप किसका नाम लोगे? किसका भी नाम? दोनों में से कोई एक तो नहीं ना ब्रो, मतलब पसंद अच्छा ही, अच्छा ही होगा, मतलब कोई भी अच्छा नहीं लगा ऐसा, ठीक है नहीं हो गया दोनों? नहीं, मेरे को नहीं ऐसा होता है, रील रील से मैं चुप कर पे कुत्ते, मैं बहुत दूर हूँ अभी, तो तुम बोले ये देखता हूँ, लेकिन उनके रील से मेरे को नहीं पसंद है। कोई बात नहीं भाई, को कोई पसंद नहीं भाई, अपने आप को पसंद है। सो ओके ऑलराइट, बाय द वे दो भाई लोग मिल चुके हैं। एंड अभी मैं भाई को पूछूंगा, ब्रो मैं आप लोग रील्स तो चलाते रहोगे ना, तो मैं ये पूछूंगा कि आपको एमजे स्टैन और दानिश जैन को तो जानते रहोगे, तो दोनों में से पसंद कौन है पहला तुम बता दो? तुम तो दानिश भाई का फैन। दानिश भाई के, और भाई दो दानिश भाई के, दानिश भाई के तुमको क्या पसंद है दानिश भाई में? दानिश भाई के साथ, दानिश भाई के साथ लाइफ स्टाइल पूरा, और मतलब सबसे ज्यादा क्या पसंद है तुमको? मुझे उनका हेयर का हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस, और उन्होंने व्लॉग बनाया ना अबैंडन अपार्टमेंट का, वो मेरे को सबसे तो जैसे तुम देख सकते हो भाई को दानिश जैन पसंद है। एंड बहुत लोगों को बॉडी पसंद है, बहुत लोगों को हेयर पसंद है, एंड बहुत लोगों को नेचर पसंद है, बात करने का हो गया है, एंड उनका तो हर एक चीज मुझे पसंद है। सो तो बाय द वे मुझे लेडीज लोग से भी पूछना है, बट शर्म आती है, शर्म व्लॉग नहीं बना पाएगा यार, मतलब शर्म आती है डायरेक्ट बात करना, तो मुझे अच्छा भी लगता है क्योंकि किस किस कोई कोई कंफर्टेबल रहता है, कोई कोई अनकंफर्टेबल, मतलब कुछ भी पूछ लूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो कोई ना कोई एक लड़की को तो मैं वीडियो में लूँ आज, कुछ भी हो जाए भले से जिल्लत खा के लूँगा। तो ओके ऑलराइट, बाय द वे अभी तुम लोग ने वीडियो देखे जो कि भाई ने की बहुत ही बॉम्ब था। एंड ब्रो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, तुम रील्स तो देखते रहोगे सबकी, बनाते भी रहोगे शायद, तो तुम एमजे स्टैन को तो जानते हो और दानिश जैन को, तो तुमको अगर मैं बोलूँ दोनों में से कौन पसंद है तो कौन पसंद है आपको? दानिश जैन क्यों पसंद है? खासियत मतलब क्या पसंद है इसका? बहुत पहले से पसंद है, मतलब कुछ खासियत मतलब जो उसमें पसंद है दानिश जैन में, उसका जो करता है ना वो, अच्छा मतलब नेचर पसंद है वो सब, मतलब फैम ब्रो। ओके ऑलराइट, बाय द वे मैं जितने भी बॉयज लोग को पूछ रहा हूँ ना, तो वो सब दानिश जैन बोले, जस्ट बिकॉज मुझे भी जानते हैं, तो मतलब वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलते हैं अरे भाई आपको देखा हूँ सोहेल जी, एंड इसलिए मैं लेडीज लोग को ट्राई कर रहा हूँ।
तो जैसे तुम लोग देख सकते हो लेडीज लोग तो एमजी स्टैन ज्यादा पसंद है एंड अभी और लोग को मैंने तो एक को ही पूछा एंड मुझे बहुत शर्म आ रही थी बट फिर भी एंड बाद में उन्होंने मेरे साथ पिक्चर क्लिक किए तो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। एक और भाई मिल चुके तो अभी भाई को पूछे ब्रो आप रिंग्स बनाते रहोगे मतलब तुम एमजी स्टैन और दानिश स्टैन को दोनों को जानते हो तो तुमको दोनों में से कौन पसंद है? जब से मतलब ऐसे पहले तो नहीं पहचानता था बट जब डेथ हुई उनकी तब से मैं उनको जिस दिन डेथ हुई थी ना उसी दिन मतलब मैं उनसे फॉलो करने लगा मेरे को अच्छी लगी उनकी जो भी लाइफ स्टाइल था जो भी मतलब हर चीज मेरे को अच्छी लगती थी तो मैंने भी उनके हर हेयर स्टाइल देख के जो पर्सनैलिटी है वैसी देख के मैंने भी स्टार्ट किया अभी धीरे धीरे वैसा होना है। अच्छा तो मतलब आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? तो ओके ऑलराइट भाई अभी यहाँ पे भाई मिल चुके हैं एंड अभी हम भाई को पूछेंगे ब्रो आप रील्स तो देखते ही रहोगे शायद बनाते भी रहोगे मे भी नहीं बनाते हो तो एमजी स्टैन और दानिश स्टैन को तो जानते रहोगे तो दोनों में से पसंद कौन है आपको? एमजी स्टैन क्यों पसंद है मतलब क्या खासियत उसकी? जो भी है बिंदास मतलब स्ट्रगल करके बनाया जो भी बनाया खुद के बल पे है ना वो तो है बॉम बनाते रहे। सो ओके ऑलराइट बाय द वे जैसे तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे तीन चार लोग हैं एंड अभी हम लोग भाई लोग को पूछेंगे ब्रो आप रील्स तो देखते रहोगे है ना तो तुम एमजी स्टैन और दानिश स्टैन को तो जानते रहोगे तो मतलब तुमको मैं पूछूं दोनों में से ज्यादा कौन पसंद है तो किसका नाम दोगे आप? दानिश स्टैन क्यों पसंद है ब्रो? वो काफी मेरे लिए वो उसको बहुत लाइक करता हूँ मतलब कुछ ऐसा बहुत ज्यादा पसंद है उसका बॉडी। और ब्रो आपको क्या पसंद है? जो भी है वो तो पता है ब्रो तो आप उस दानिश स्टैन के लिए एक सॉन्ग बजाओगे तो एंजॉय करो ठीक है मेरे हो इस पल मेरे कल शायद आलम नड़े कुछ ऐसा हो तुम ना रहो कुछ ऐसा हो तुम ना रहो मैं फिर भी भाई तो जैसे तुम लोग देख सकते हो भाई का क्या नेक्स्ट लेवल टैलेंट है इंशाल्लाह भाई आप बहुत आगे जाएंगे भगवान आपके साथ है हमेशा। सो भाई थोड़ा सा यूट्यूब पे अभी न्यू मतलब चैनल खोला तो क्या नाम है बोल दो ना तुम्हारा चैनल का। मेरा नाम है सोनू सिंगर 44 भाई। हाँ। तो इधर स्क्रीन पे दिखा रही है तो एक बार चेकआउट करना भाई के चैनल को एंड अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना। सो भाई तो भाई आप रील्स तो देखते रहो तो आप एमजी स्टैन और दानिश स्टैन को तो जानते रहो तो दोनों में से अगर मैं पूछूं आपको कौन पसंद है तो कौन पसंद है आपको? दानिश स्टैन क्यों पसंद है? तो सबसे ज्यादा मतलब क्या पसंद था बंदे में आपको? बंदे की ज्यादा बॉडी पसंद थी तो भाई तुम भी बनाओगे क्या? नहीं बॉडी स्मार्ट तो है भाई बनाओगे ना कैमरा मेरा। सो ओके ऑलराइट भाई अभी भाई मिल चुके हैं अभी मैं भाई से पूछूंगा ब्रो दो मिनट आप रील्स तो देखते रहे तो आपको दानिश स्टैन को जानते हो? यस दानिश स्टैन और एमजी स्टैन तो दोनों में से आपको कौन पसंद है पर्सनली? ऑफ कोर्स दानिश स्टैन कैमरो भाई वैसे उसमें क्या पसंद है बंदे में एज कम्पेयर टू देखा जाए एमजी स्टैन के मुकाबले उसके अंदर जो एटीट्यूड टाइप के ना थोड़े कम थे बट एज कम्पेयर अभी जो एमजी स्टैन में ठीक है बंदे ने मार्केट ग्रोथ किया है उन्होंने मेहनत किया हुआ है बट एटीट्यूड लेडीज एंड जेंटलमैन द विनर इज दानिश जी हैं।
तो ओके ऑल राइट, तो आज की वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो देख के मजा आएगी एंड आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना है कि आपको दोनों में से कौन पसंद है, एमसी स्टैन पसंद या दानिश देन पसंद है, कमेंट बॉक्स में बता देना। एंड मैं ये कोई वीडियो हेट नहीं फैला रहा हूँ, मेरे को ब्लॉग नहीं करने देंगे, कोई नहीं। तो मैं आप लोग को बता दूं, मैं ये कोई हेट नहीं फैला रहा हूं, बस मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूं कि ऑडियंस मतलब स्टार लोग के लिए अपने दिल में क्या फीलिंग रखते हैं क्या नहीं। तो आज का वीडियो एंड करते, बहुत मेहनत किया, लूट मतलब इतना गर्म है ना, मेरी पूरा मेरी टी शर्ट भीग चुकी है पसीना, जैसे मैं देख सकते हैं मेरी स्किन भी काली हो चुकी है, मुझे सबसे पहला वॉश कराना है फेस। तो वही, सो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, फैम फ्रॉम फॉरएवर एंड कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना। सो आई होप एंजॉय दिस वीडियो गाइस, डिड मेक श्योर सब्सक्राइब माय YouTube चैनल, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ एंड हां, फैम फ्रॉम मी ज्वाइन करो, करके आ जाओ, सब्सक्राइब का बटन दिया जाओ, जाके प्रेस करो एंड कमेंट बॉक्स में अपनी राय दो। सो बाय फैम ब्रो, व्हेन आई सी यू अगेन। ये दानिश जैन की शर्ट है ना भाई? हाँ, दानिश जैन की शर्ट है भाई, फैम ब्रो है।